क्रैक रवि तेजा और श्रुति हसन स्टारर फिल्म जो हाल फिलहाल में भाई हिंदी में डब कर दी, और ये फिल्म इसी साल आई थी वैसे भी। तो हिंदी में डब होने के बाद कैसे इसका वर्जन रहा उसके बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो मैं इसका रिव्यू पहले ही कर चुका था जब ये फिल्म आई थी, लेकिन हाल फिलहाल में भाई हिंदी में डब हो गया, तो अब थोड़ा सा इसका हिंदी वर्जन की भी बात कर लेते हैं। तो मैं रोज राजा जी इसी फिल्म का रिव्यू लेके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आपको बता दूं भाई ये एक्शन थ्रिलर फिल्म है, यानी कि एक मास ऑडियंस फिल्म है। जी हाँ, सबसे पहले आप याद रखिए रवि तेजा की अगर फिल्म मास ऑडियंस आ रही है तो सबसे पहले आपको रवि तेजा की और फिल्में देखनी होती हैं, जिससे आप समझते हो कि ये व्यक्ति मास थ्रिलर फिल्मों के लिए ही बना है। और कॉमेडी पंचेज जो रवि तेजा मारते हैं वो किसी और की बस की बात कहाँ। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म के अंदर आपको एक्शन थ्रिलर पूरा मिलने वाला है, साथ में कॉमेडी मिलने वाली है, साथ में ड्रामा मिलने वाला है, और साथ में इमोशनल तो कुछ बचा ही नहीं है जो आपको मिलेगा। बाकी फिल्म पूरी की पूरी इंप्रेसिव है, और ज़्यादा दूर नहीं जाता, पहले मैं इसकी स्टोरी बता देता हूँ आपको सिंपल। इसमें तीन स्टोरी दी गई है तीन विलनों की, ठीक है, और तीनों विलनों को नेट एक ही बंदा निकालने वाला है जो है रवि तेजा, जो कि इंस्पेक्टर शंकर है। जी हाँ, वो फर्स्ट विलन की निकालते हैं जो एक आतंकवादी होता है, वो 50 रुपये के ऊपर बेचारे उसकी हैंड निकाल देते हैं। फिर दूसरे की हैंड निकालते हैं वो सिर्फ एक कील के ऊपर, और तीसरे की हैंड निकालते हैं एक आम के ऊपर। अब ये तीनों की हैंड निकालते हैं 50 रुपये और आम और कील के ऊपर, कैसे निकालते हैं ये सब आपको जाना है तो हिंदी में डब होके ये आ चुकी है और यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। बस क्रैक आप कीजिएगा सर्च और आपके सामने ये फिल्म आने वाली है। तो ओवरऑल फिल्म की बात करूँ कि पूरी की पूरी भाई जी हाँ एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो कहा गया वो है, और मास ऑडियंस के लिए बहुत ही धमाकेदार फिल्म है, यानी कि काफ़ी जगह इस फिल्म के ऊपर आपको मन करेगा सीटी मारने का, और फिल्म आपको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय देगी। पूरी पूरी फिल्म ने आपको इम्प्रेस किया है, बांध रखा, जोड़े रखा, और कहीं पर भी फिल्म आपको बोर नहीं होने देती। वहीं बात कर ली फिल्म की थोड़ी सी टेक्निकल बात की, मैं पहले तो फिल्म देख चुका हूँ लेकिन अब जो हिंदी डब मैंने करके देखी तो इसमें मुझे ना थोड़ी सी कमी खाली हिंदी डबिंग की लगी, बाकी कुछ कमी नहीं थी। और साथ में गानों की तो रेल बन गई, यानी कि आपको बता दें हिंदी में डब होते ही गानों की एस्थेटिक मर जाती है, वो तो मर चुकी है। और BGM इसका हल्का फुल्का ही सुनाई देता है फाइटिंग वगैरह के अंदर, बाकी तो बैकग्राउंड म्यूजिक तो आपको ना की बराबर ही इसके अंदर सुनने वाला है। लेकिन फुल ऑफ कॉमेडी के जो पंचेज हैं वो डायलॉग है वो हिंदी में लिखे गए हैं, तो उनमें थोड़ी सी कमी लगी मुझे पहले के मुकाबले। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करें स्क्रीन प्ले की, तो तीन स्टोरी को कैसे अलग करके फिर साथ में जोड़ना है वो बहुत बेहतरीन तरीके से इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। जी हाँ, हम ओवरऑल इस फिल्म को कह सकते हैं फुल मजा धमाका मसाला फिल्म मूवी, यानी कि जो भी है। यानी कि बात कर लें फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर की, तो यानी कि फिल्म फुल धमाका मसाला और एक्शन ड्रामा मास ऑडियंस फुल की फुल इंटरटेनमेंट मूवी है जो आपके लिए बनी है। और एक बार जाके इस फिल्म के हिंदी डब को जरूर देखें, और आप बताएं हिंदी डबिंग में कुछ कमी नज़र आएगी या नहीं आपको। मुझे तो थोड़ी सी कमी नज़र आई, बाकी तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। मैं रोहित राज आपको मिलने वाला हूँ इंस्टाग्राम पर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन में। जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।